तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर जो है प्रतिमा, और ये जो है समुद्र मंथन जब हुआ है तब का प्रतिमा, और शंकर जी जो है कितने भोले बाबा हम लोग के, कितने अच्छे जो है लग रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिमरिया घाट आ चुके हैं, और सिमरिया घाट में काफ़ी ही रहस्यमय चीज़ आप लोगों को आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये देख सकते हैं हनुमान जी की काफ़ी ही शानदार सी प्रतिमा के साथ साथ जो है यहाँ पे काली मैया का भी प्रतिमा। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सिमरिया घाट, लगभग बेगूसराय से 20 किलोमीटर की दूरी पे सिमरिया घाट पड़ता है। और सिमरिया घाट वैसे तो आप लोग कई बार आए होंगे, लेकिन मेरे इस वीडियो को देख के आप लोगों को जब भी सिमरिया घाट आइएगा तो आप लोग को घूमने का इंटरेस्ट ज़रूर जागेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरा जो है सिमरिया घाट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ छुपा हुआ है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। पूरा जो है जितने भी हिंदू देवी देवताओं के जो है दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। तो ये आप लोग देख रहे हैं वीडियो में जो है, पूरा बने रहिएगा लास्ट तक, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ये आप लोग देख रहे हैं समुद्र मंथन का जो है, जब से समुद्र मंथन हुआ था तब से ही यहाँ पे प्रतिमा है, और काफ़ी ही सुंदर तरीके से यहाँ पे शिव जी का प्रतिमा, इतना जो है भोले बाबा का प्रतिमा जो है इतना बड़ा बनाया गया है। तो अगर आप लोग भोले बाबा का भक्त हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा। और समुद्र मंथन बता दें कि आप लोगों को समुद्र मंथन यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे आप लोग को वहाँ से चल के मैं सीधा जो है सनातनी भारती आ गया। और इस सनातनी भारती में जो है जितने भी हिंदू देवी देवी देवताएं हैं, उन सारी देवी देवताओं का यहाँ पे आप लोगों को प्रतिमा मिल जाएगा। यहाँ पे एक भी ऐसा हिंदू देवी देवता नहीं है जो आप लोगों को यहाँ पे प्रतिमा नहीं मिलेगा। उन सारी देवी देवताओं का भी दर्शन करवाएंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ही शानदार तरीके से यहाँ पे शीशे में पैक करके प्रतिमा को रखा गया है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि सारी जितने भी हिंदू देवी देवताओं के जितने भी हैं, यहाँ पे आप लोग को सारे जो है भगवान की प्रतिमा देखने के लिए मिल जाती है। और इसका जो है एड्रेस बताऊँ कि अगर आप लोग सिमरिया घाट आते हैं तो यहाँ पे जब सीढ़ी उतरते हैं, जस्ट राजेंद्र सेतु पुल के नीचे ही आप लोग सीढ़ी जो उतरते हैं वहीं पर ये है। और ये जो है पीछे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि मंदार हिल, जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था, और गंगा घाट जो है सिमरिया घाट अभी है, लेकिन बता दे आपको कि ये जो है पहले समुद्र था, और जब समुद्र मंथन होने के बाद से जो है ये गंगा जी के रूप में हो गया। और समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवी देवताओं में अमृत जब गिरा था, तो उनका पौराणिक कथा के अनुसार जो है लड़ाई हो गया था देवी देवताओं के बीच और राक्षसों के बीच। और जो है इसी कारण से जो है जब अमृत गिरने के पश्चात जो है पानी का बहाव जो है कम हो गया, तो यहाँ पे आप गंगा जी के रूप में प्रतिमा स्पष्ट हो चुका था। और पहले वे जो है समुद्र यहाँ पे हुआ करता था बहुत ही पहले। यहाँ पे ये जो है आप लोग को बता दूँ कि ये राम घाट की ओर मैं अभी हूँ, और राम घाट की ओर जो है ये जो है समुद्र मंथन की, जैसे कि मैं बात कर रहा था शंकर जी से लेके वहाँ पे सारी देवी देवताओं के और जो है राक्षसों की भी प्रतिमा, और काफ़ी ही शानदार तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को दर्शाया गया था। अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी सिमरिया घाट विजिट करिएगा तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा, और यहाँ पे आप लोगों को आके काफ़ी ही सुकून मिलेगा। वैसे तो आप लोग आते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना जो है आप लोग को अंदर जगह के बारे में नहीं पता होगा अगर आप लोग लोकल नहीं थे। तो मैं भी जो है काफ़ी ही पूछताछ करने के बाद जो है यहाँ पे पहुँचा, और यहाँ पे आने में आप लोगों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, कि समस्या ये हो सकती है कि यहाँ पे बंद ही गेट अधिकतर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को बस खोल के गेट आ जाना है अंदर, और देवी देवताओं का दर्शन कर लेना है। ये जो देख सकते हैं कितनी जो है देवी देवताएँ एक लाइन से जो रखे गए, काली माई माई का प्रतिमा यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि काफ़ी ही अपने आप में लगता है कि साक्षात जो है काली मैया आप लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और बता दूं कि यहाँ पे जो है कुछ भी चढ़ाने का इजाज़त नहीं है, आप कुछ भी इस मंदिर परिसर में जो है चढ़ावे के रूप में कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कितना शानदार सा ये मंदिर है। जब आप लोग राजेंद्र पुल के ऊपर जाते होंगे तो कमल के तरीके से जो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर से काफ़ी शानदार ये मंदिर देखने में लगता है, कमल
के जो है डिजाइन में बना हुआ आप लोग देखते होंगे, तो ये मंदिर वही है। और यहाँ पे जो है हवन कुंड किया जा रहा है, ये जो है देख रहे हैं आप लोग राम राम घाट की ओर से। और यहाँ पे जो है मिथिलांचल की जो है एक देख सकते हैं गंगा पीठ भी है, और दिव्य दर्शन यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ही आप लोगों को अच्छे लगेगा आके। और ये ललित नारायण जो है ये राम कृष्ण सिंह दान प्रेमी शिल्पा सिल्का है। और जैसे ही आप लोग आगे बढ़िएगा तो ये हनुमान जी का भक्त हैं, तो हनुमान जी का भक्त हैं तो जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो